ये व्हाइट क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो कॉटन होते हैं इसके ऊपर जिंक ऑक्साइड का लेयर रहता है, जिस कारण ये व्हाइट होते हैं। अपने घर में यूज होने वाले टेप या फिर इलेक्ट्रिसिटी के काम में यूज आने वाले चिपकाने वाले जो टेप होते हैं, जिससे हम लोग वायर वगैरह को चिपकाते हैं, या फिर घर में कोई भी फंक्शन हो तो कुछ चिपकाने के लिए हमें दीवार पे टेप की जरूरत पड़ती है, तो ये तो होता है कॉमन यूज में आने वाले टेप। इसी प्रकार मेडिकल फील्ड में या फिर हॉस्पिटल्स में एक चिपकाने के लिए टेप रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोपोर या फिर सर्जिकल टेप या फिर मेडिकल टेप, है ना, जिसका काम होता है ड्रेसिंग के बाद बैंडेज को उसको अच्छे से चिपका के रखना, ताकि बैंडेज वाले जगह पे इन्फेक्शन के चांसेस ना रहे। अब माइक्रोपोर को हम लोग माइक्रोपोर क्यों कहते हैं? तो नाम से ही क्लियर है कि माइक्रो मतलब बहुत छोटा और पोर मीन्स छिद्र, छोटा छोटा छिद्र। चूंकि ये बना होता है कॉटन का, तो कॉटन के बने होने के कारण इसमें बहुत टीनी टीनी छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि हम किसी भी सरफेस पे इसको चिपकाते हैं बॉडी के, तो वहां से एयर कॉन्टेक्ट स्किन के साथ बना हुआ रहता है, जिसके कारण ये स्किन फ्रेंडली हो जाता है, इसलिए हम लोग मेडिकल फील्ड में इसका यूज करते हैं। ये जनरली व्हाइट कलर के होते हैं। तो व्हाइट कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इनको जब बनाया जाता है तो उसमें मिलाया जाता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक केमिकल मिलाया जाता है जो कि इन्फेक्शन रोकने का काम करता है, यानी कि इन्फेक्शन को भी वो रोकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में मिलता है। अगर इनकी साइज का हम बात करें तो माइक्रोपोर का साइज इसलिए हम लोग यूज करते हैं 1/2 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 3 इंच मैक्सिमम यूज करते हैं हम लोग मेडिकल फील्ड में। किसी भी वुंड का ड्रेसिंग करना हो या फिर कुछ भी करना हो तो 3 इंच एनफ हो जाता है। इसका एक काम होता है कि ये पट्टी को चिपका के रखता है, स्किन पे दबाव बना के रखता है, ताकि स्किन आपस में अच्छे से जुड़े और हील करे, और हील करने के साथ साथ ये स्किन फ्रेंडली होता है, स्किन को भी कोई इफेक्ट नहीं करता। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? तो इसका यूज करते हैं हम लोग घाव का ड्रेसिंग करना हो, ड्रेसिंग करने के बाद उसको पैक करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग माइक्रोपोर से उसे पैक करते हैं, ताकि वो सतह बाहर के एनवायरमेंट से, इन्फेक्शियस एनवायरमेंट से बचा रहे, और वो स्किन फ्रेंडली होता है, तो हमें स्किन की भी कोई टेंशन नहीं होती है। फिर दूसरा चीज होता है कि सर्जरी वगैरह करने के बाद जब क्लोज कर लिया जाता है, तो फिर उस जगह को हमें ढकना होता है, ताकि इन्फेक्शन का चांस ना बना रहे वहां पे, तो वहां भी हम लोग पैक करते हैं, तो माइक्रोपोर चिपका देते हैं गॉज पीस रख के। तो इस टाइप का यूजेस होता है, और भी बहुत सारा यूज होता है। माइक्रोपोर दिखता कैसा है, चलिए आपको माइक्रोपोर दिखाते हैं, इसके साइजेस को दिखाते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, और देखने के बाद हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। चलिए गाइज आपको दिखाते हैं माइक्रोपोर होता कैसा। तो गाइज कुछ इस तरह का दिखता है ये माइक्रोपोर, आप देख सकते हैं ये 1/2 इंच का माइक्रोपोर है, ये 1 इंच का जैसे हमने साइज बताया था आपको, ये 3M कंपनी का 1 इंच का है, ये 2 इंच का है, और ये 3 इंच का माइक्रोपोर है। तो इसी साइज के अकॉर्डिंग आता है, जो यूज हमें लगता है करने के लायक है वो हम यूज करते हैं। और कुछ इस टाइप का इसका लेयर होता है। आपको मैंने बताया था कि माइक्रोपोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं, आप देख सकते हैं ये बना होता है कॉटन का और इसमें पोर्स होते हैं, इसलिए छोटे छोटे पोर्स आपको दिखेंगे। ये स्किन पे लगने के बाद स्किन फ्रेंडली होता है, क्योंकि हमारा स्किन कम्युनिकेट करता है एनवायरमेंट से इस पोर के थ्रू, तो ये काफ़ी अच्छा होता है बैंडेज करने के लिए, और मेडिकल में यही यूज़ किया जाता है, और ये क्विक चिपकता है और इजली उखड़ भी जाता है स्किन से। एक बात मैंने आपको बताई थी शुरुआत में ही कि ये वाइट क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो कॉटन होते हैं इसके ऊपर जिंक ऑक्साइड का लेयर रहता है, जिस कारण ये वाइट होते हैं। कि इसका प्राइस कितना होता है? तो इसका प्राइस अकॉर्डिंग टू इसके साइज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें 1 इंच का, तो उसका प्राइस अराउंड 50 to 60 रुपीज का आता है। ये इसको बेसिकली बनाती है कंपनी जिसका नाम है 3M। 3M कंपनी के माइक्रोपोर्स बहुत ज्यादा बिकते हैं मार्केट्स में। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कृपया कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।